हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम लोग जा रहे थे बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए, ईद के लिए, तो मैंने सोचा यार मैं आपको दिखाए बगैर कैसे ले सकती हूँ, आपको साथ लेके जाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो ऐसा भी कैसे हो सकता है, इसलिए अभी जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब हम चलते हैं। हम मम्मा अपनी शॉपिंग कर रही हैं। इधर 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 देखो, हम लोग जी हमने अपनी शॉपिंग कर ली, अब नानो कर रही है अपनी शॉपिंग। और नानो अपनी शॉपिंग करने के लिए आई हैं, हम उनके साथ आए हुए आ गए हैं, है ना। हम सलमान खाने आए हैं सीक्रेटली। हम इधर से सलमान खाने आए हैं। मम्मा के सीक्रेट लीक कर रहा है। बस अम्मा अपनी शॉपिंग कर रही हैं और हम व्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को साथ लेके आई हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था मैं अपना बच्चा देख लूँ, शरारतें कर रहा है। अम्मा के साथ जब शॉपिंग पे आना तो अम्मा को जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती, तो अभी मुझे लगता है घंटा इधर ही है जी। सारी कह रहे हो ये ले, ये मुझे कह रहे हैं ये ले लें क्योंकि इसको ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। ओके फिलहाल ठीक है, थैंक यू। अभी अभी ले लें ठीक है। वी फाइनली गॉट फ्री और अब हम जा रहे हैं। वापस आए हैं, देखें हमारे पास गाड़ी में दो और लोग आ गए हैं। ये कहाँ से आए हैं? बिलाल के बहन भाई। बिलाल ये जो मेरे बहन भाई, ये बहन भाई, मैं आपको इनके साथ छोड़ के तो नहीं गई थी किधर? ये कहाँ से आ गए हैं? मैं तो आपको अकेले को छोड़ के गई थी। इस बच्चे और इनके ऑब्सेशन विद बलून्स इज रियल। अच्छा जी, तो मैं घर वापस आ गई थी कि हम दो दुकानों पे गए थे, वो भी हमारे घर के पास है। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था भाई, इतनी आवाम, बंदे में बंदा बच रहा था लिटरली। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे व्लॉग करना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़े से क्लिप शूट किया, फिर घर आ गई थी। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया और अभी सहरी में आई थिंक कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आई विल सी कि अगर मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैंने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, मेरी एक क्लास है। या हेलो अगेन, सहरी भी हो गई, सारा कुछ हो गया। अब आपकी बहन दो घंटे सोने के बाद दोबारा उठ गई है और यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ क्योंकि मेरी एक क्लास है, तो चलेंगे यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होते हैं। आई गॉट रेडी। रेडी बस इसी तरह की होती हूँ मैं यूनिवर्सिटी के लिए, आपको पता है। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जो इस तरह से यूनिवर्सिटी जा सकता है वो बहुत हिम्मत वाला होता है, और जो तैयार हुए बगैर यूनिवर्सिटी जाते हैं एजीसी को, वैसे ही उसको डिग्री दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे पापा से कहा कि मुझे ड्रॉप कर दें यूनिवर्सिटी, बिकॉज़ उन्होंने किसी काम जाना है और मेरी एक क्लास है। तो पापा ने कहा ठीक है, अब हम पापा के साथ यूनिवर्सिटी जाए। अच्छा तो मैं आ गई यूनिवर्सिटी इतनी खवाई के बाद। मैं नादरा गई हुई थी, मेरी बहन का CNIC बनना था और वो कैमरा अंदर अलाउ नहीं करते, और मेरे पापा से लिटरली क्लास लगते लगते रह गई थी क्योंकि मेरे बैग में कैमरा था। अच्छे से चेक तो करते नहीं, अगर मैं छुपा लेती तो पता चलता ऑब्वियसली। लेकिन अब मैं आ गई यूनिवर्सिटी में, मेरी क्लास में घंटा है और मुझे नहीं पता मैंने क्या करना, बहुत गर्मी है। और मैं सुबह उठ गई थी एक्चुअली, जो मेरे पता चला मेरी फ्रेंड नहीं आ रही है यूनिवर्सिटी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हाल होता है इंसान का। अब मुझे पूरा दिन ऐसा गुजर, पूरा दिन तो खैर नहीं है कि क्लास है, तो मैं भाग जाऊँगी घर, अब मैं जाके सो जाऊँगी अगर मुझे बिलाल ने सोने दिया तो। अभी वो सो रहा था अपनी नानों के साथ, मैं उसको छोड़ के आई। हेलो अगेन, कॉन्टिन्यूशन ऑफ माई लास्ट व्लॉग। यू गाइज माइट बी थिंकिंग मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बिकॉज वो व्लॉग कम्प्लीट नहीं हुआ था बिकॉज आई स्लेप्ट। और अब मैं उठी थी सुबह के टाइम और मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, मैं यूनिवर्सिटी जाना था, मैं जल्दी से वापस आई हूँ। आज मेरा बहुत हेक्टिक दिन था, चार क्लासेस थी, मेरी शक्ल से पता चल रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। मैं फ्रेश होने लगी हूँ और मामा ने जाना है कुछ चीज़ें लेने, तो मैंने सोचा मैं साथ चली जाऊँ क्योंकि मेरा बेटा साथ जा रहा है तो उसकी माँ भी साथ जाएगी, वरना मेरा बेटा तंग करेगा अपनी नानों को। सो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके जाते हैं, दोबारा आपको बताते हैं यार ईद की शॉपिंग वॉपिंग हो रही है और रोज़े में आपकी बहन व्लॉग कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन देनी चाहिए। सो जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब। और अब हम चलते हैं बाजार। बिलाल अब बताओ आपने क्या लिया है? हम लोग जीवन आए हुए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, और बिलाल ने लिया ग्लासेस जो कि बहुत प्यारी।
बहुत रश है। इसको मैंने चाइल्ड लॉक लगा के अंदर बिठाया हुआ था। जी कौन, किधर जा रहे हैं आप? ओ भाई साहब एक मिनट, चलो लेट्स गो। इधर अम्मा का हाथ पकड़ लो, चलो ना यार। मेरा बच्चा जो है ऑरेंज ग्लासेस लगा के फिर रहा है जीवन की सड़कों पे। ओ माय गॉड, पहले हम बिलाल के शूज दे रहे हैं। हाय बिलाल, हाय। मामा वो सामने शूज देख रही है, उनको पता हम व्लॉग बना रहे हैं। हमने एक आर्टिकल ट्राई किया ब्लैक, डार्क ब्राउन कलर। ये आर्टिकल पसंद आया, इसमें साइज नहीं है बिलाल का। लेट्स सी, अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा। मैंने ये वाला फाइनल किया लाल, ये वाला अच्छा है ना? दिखाओ। वाओ ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये अच्छा है? दिखाओ ये दिखाओ। वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, लुक रियली गुड। चलो ये वाला कर दें भाई। नाउ वी आर गोइंग बैक, ग्लासेस नहीं हमारी उतनी इतने टाइम से। ग्लास शूज लेके सोचते हैं, ये टाइम है जो है ना फ्रूट लेने आई हैं, और हमें 300 का दर्जन दे रहे हैं और अम्मा कह रही हैं 250 के होने चाहिए। अम्मा कितने के होने चाहिए? 250 के। लेट्स सी, ऐसे तो 150 होने चाहिए। लेट्स सी कि कितनी सक्सेस होती है हम लोगों को। अम्मा तैयार हो जाए। ओ या हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अडे पुराने तड़े ले आना, ले रेट सही लाया करो। 250 रुपए लाओ, सही है? 350, 250 रुपए सही है। वो कह रहे हैं 500 रुपए दे किलो ने, मैं क्या सोने का पानी पे रहे ऊपर है। हाँ 2000 years later। वाह मामा वाह, नाइस। आई एम श्योर किसी की भी अम्मा को पापा का लाया हुआ फ्रूट अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मा ये पापा ने ना फैमिली ग्रुप में हमें भेजा ईदी का रेट। हस्बैंड टू वाइफ है जी, 200 रुपए। फादर अपने बेटे को देंगे 100 रुपए। फादर अपनी बेटी को देंगे 300 रुपए। ओके अंकल अपनी नीस को देंगे 100 रुपए। 100 रुपए भाईजान साली को 500। अच्छा ये क्या बात हुई, साली को पैसे ज्यादा देने? ओके साले को 100 रुपए। नाइस। सास अपनी बहू को, मम्मा नई बहू को 500 रुपए, आयशा भी को 500 रुपए, और पुरानी बहू को 100 रुपए। ओके सास, अम्मा सास नए दामाद को 2000 रुपए। पुराने दामाद को सिर्फ दुआ। भाई बहन को 500, खाला भतीजी को 500, दादा पोता पोती 200, नाना नातू नवासा 200। नहीं सॉरी हम बिलाल, आपने 200 नहीं लेना बाबा से। ओके हम ज्यादा लेंगे ये आप जी। इस लिटिल सक्सेस आई केम बैक होम और मुझे फाइनली अपने लिए जूते मिल गए। आई एम नॉट रियली हैप्पी बिकॉज आई एम श्योर पीपल विद अ डिफरेंट अ यूनिक फुट साइज कैन रिलेट कि यार आपकी पसंद के जूते में आपको साइज मिल जाए, ये बहुत रेयर होता है। बट अब एनीवेज लेना था, रोज़ा भी बहुत लग रहा है, अभी भी रोज़े में टाइम है। अभी असर की नमाज नहीं हुई, असर की नमाज होगी इससे पहले मैं सोच रही थोड़ी देर लेट जाऊँ। और या आई एम काइंड ऑफ डन। चूड़ियाँ लेनी थी मम्मा ने, लेकिन चूड़ियाँ मिली नहीं। इन्होंने ग्लासेस नहीं अपनी उतारनी गाइस।
All right, जी, इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।